उत्तर प्रदेश के हरदोई में झाड़फूंक करने वाले मुफ्ती इमरान पर एक लड़की ने गलत काम करने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि मुफ्ती ने उसके पीछे अपने जिन छोड़ दिए और उन्हीं के जरिए वो लड़की को अपने पास बुलाता था। और फिर मुफ्ती इमरान 22 साल की उस लड़की के साथ गलत काम करता था। लड़की के मुताबिक तबीयत खराब होने के बाद वो अपने परिवार के साथ मुफ्ती के पास झाड़फूंक कराने गई थी, लेकिन उस दिन के बाद से मुफ्ती उसके पीछे पड़ गया। इनके पास झाड़फूंक कराने के लिए हम गए थे और इन्होंने मुझे ठीक करके बाद में अपना जो इनके पास जिन्नात थे वो लगा दिया मेरे। आपके ऊपर जिन्नात लगा दिया? बोला मुझे तुमको शादी नहीं करने देंगे, हम तुम्हारे साथ में निकाह करेंगे। लड़की की माने तो जिन्नात यानी ढेर सारे जिन लड़की के पीछे लगाए गए और फिर उन्हीं की मदद से लड़की को बुलाकर उससे गलत काम किया जाता था। गलत कार्या हमारे साथ में करते थे, जबरदस्ती उसको खींच करके उल्टे सीधे काम करते थे। जिन और झाड़फूंक जैसे अंधविश्वास की कहानी पुलिस के पास आई तो उन्होंने कार्रवाई की बात की। उनके साथ झाड़फूंक तथा तांत्रिक गतिविधियां की जाती हैं, जिससे आवेदिका मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। इसकी शिकायत करने पर इमरान ने आवेदिका से अभद्रता की। पुलिस ने शिकायत तो लिखी लेकिन धाराएं काफी हल्की लगाई थी। इस बात को लेकर अब पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। जिन के जरिए लड़की को वश में करने की यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। अब पुलिस कस्टडी में मुफ्ती इमरान और उसके गलत कामों का हिसाब हो रहा है। Zee News.